पाकिस्तानियों लवड एक्सपोर्ट हो गया है। हो गया, हो गया, हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। लालच करोगे, पछताओगे, मारे जाओगे। जितना बर्ड एक्सपोर्ट हो रहा है, सबसे पहले जितने बड़े ब्रीडर हैं वो अपना माल बेचेंगे, उसके बाद फिर आपको आपसे कोड़ियों के भाव माल लिया जाएगा, वो कोड़ियों के भाव माल लेके अपना मार्जिन रख के आगे बेचेंगे। ऐसा नहीं होगा कि लवड एक्सपोर्ट हो गया, धूम मच गई और आप खुश हो जाएं कि लवड एक्सपोर्ट हो रहा है। महंगा बर्ड ना खरीदना, महंगा बर्ड इस चक्कर में आप ना खरीदना, पछताओगे, मारे जाओगे। मेरा बरादराना मशवरा छोटे फैंसियर को ये है, कमर्शियल आइटम लगाएं, जितना नया फैंसियर है कमर्शियल आइटम लगाएं। मेरी बात अपने पल्ले बांध ले, किसी भी बर्ड का नॉर्मल रेट 5000 रुपए है, ठीक है, वो इधर लोकली दुकान पे सेल हो या वो शिप हो। जो न्यू फैंसियर ख्वाब देख रहे हैं ना कि मैं बर्ड लगाऊं और उससे इतने कमा लूं, ये मेरी बात याद रखना, बल्क में ब्रीड कराओ, 4000 रुपए का तोता सेल करो, कोई मसला नहीं है। मगर ये बात याद रखना, अल्बाइनो रेड आई तब बाहर जाएगा बल्क में जब वो 5000 रुपए का पाकिस्तान में सेल होगा, तब जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा वीडियो पैगाम सारी लवबर्ड कम्युनिटी के लिए है, ठीक है। स्पेशली पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि लवबर्ड एक्सपोर्ट हुआ पाकिस्तान से, ठीक है। ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी जो कि हम करके खुश हो रहे हैं कि जी लवबर्ड एक्सपोर्ट हो गया। पहली चीज ये, पहले लवबर्ड को एक्सपोर्ट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पे महंगा लवबर्ड सेल हुआ है। सबसे पहली चीज, मैं 7 महीने 6 महीने मस्कत में रहा हूं, ठीक है, वहां पे मैंने शॉप भी स्टार्ट किया, सारा कुछ किया है, लवबर्ड का सेटअप भी वहां पे लगाया है। पहला बंदा होगा जिसने बाहर जाके कोई इनिशिएटिव लिया। मैं अपना लवबर्ड भी लेके गया हूँ, मैं 150 पीस अपना जाती होम ब्रीड लेके गया हूँ रिंगबर्ड, ठीक है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही, ये जो कहा गया है कि जी लवबर्ड एक्सपोर्ट हो गया, मैं नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं जा रहा, मुझे सिर्फ इस चीज की समझ नहीं आ रही जो कहा जा रहा है कि जी लवबर्ड एक्सपोर्ट हो गया है, पाकिस्तान मार्केट अप होनी है, सारा कुछ होना है। मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही जो इतना महंगा लवबर्ड सेल किया गया है फैंसियर को, ठीक है। मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ क्योंकि मैंने भी महंगा लिया था, मैंने आगे महंगा बेचा। अब जिस बंदे ने पिछले साल महंगा लिया होगा, इस दफा तो वो नहीं ना सेल कर सकेगा, उसकी किस तरह वो पूरी होगी अमाउंट। इसलिए जो चीज आप लोग शुरू में इतनी महंगी दे देते हैं, बाद में फिर आप कहते हैं कि जी एक्सपोर्ट होनी है इस तरफ। हम पैलिड और ग्रे विंग की मिसाल ले लेते हैं, क्या पैलिड और ग्रे विंग जो है डल्यूट, इतना महंगा एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग बाहर? कभी भी नहीं होगा, गल्फ में कभी भी नहीं होगा, पूरे मस्कत में, पूरे ओमान में ना मैक्सिमम जो है ना, ज्यादा से ज्यादा 50 बंदे होंगे जो कि पीस ले लेंगे, कितना लवबर्ड आप उन्हें सेल कर देंगे, ठीक है। जितना महंगा हमने यूरोप से मंगवाया और जितना महंगा हमने पाकिस्तान में सेल किया ना, इतना नहीं जाना। इसका जो रेट है ना, एक्चुअल रेट बर्ड के सेल होने का, अगर आप कहेंगे बल्क में बर्ड जाता रहे आपका, इसका एक्चुअल रेट मैक्सिमम, यानी कि इधर आप फैंसियर से लेते हैं 3000 का आप लेंगे या 5000 का ले लेते हैं, ठीक है, बड़ी हद आप 10000 का ले लेते हैं। बाहर जब 10000 आप कन्वर्ट करेंगे और सेल करेंगे ना, तो तब आपको पता चलेगा कि बर्ड जो महंगा है उसकी डिमांड कितनी और सस्ते बर्ड की डिमांड कितनी है। जो बर्ड कॉस्टली है ना, कॉस्टली, वो महीने में मैक्सिमम जो है ना आपका, यानी कि फॉर एग्जांपल डल्यूट आप 50000 का छोटे फैंसियर से लेके बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अवाम को ना रियलिटी बताने की कोशिश करें, अवाम को रियलिटी बताएं, ठीक है। ये जितनी म्यूटेशन हम लोगों ने ब्रीड करवाई है, इसकी बाहर इतनी डिमांड नहीं है जितनी महंगी हम पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं। जब पाकिस्तान में इसकी डिमांड पूरी हो जाएगी ना, तो बाहर ये 3000, 3500, 4000 से ज्यादा का नहीं दे सकते। 4000 का भी आप बर्ड लेते हैं बाहर भेजना, उसकी कॉस्ट है, उसके बाद जिस दुकानदार को देंगे, इतनी बल्क में कोई कस्टमर तो नहीं ना लेगा, जाहिर सी बात है दुकानदार लेगा, दुकानदार आपसे जिस रेट पे लेगा वो मुझे पता है वो किस रेट पे बर्ड लेता है। वहां अफ्रीका से माल आ रहा है, बोरियों की बोरियां भर के, छिकों के छिके भर के अफ्रीका से माल आ रहा है, वो किस रेट पे माल आ रहा है सारा कुछ मुझे पता है। इसलिए और सबसे मेन चीज जो है इसमें, सबसे मेन चीज जो है, मुझे ये बताएं लवबर्ड एक्सपोर्ट हुआ है, लवबर्ड में कितने छोटे फैंसियर का माल चला गया है? जितने बड़े लोग हैं ना, जितने बड़े लोग हैं, सबसे पहले वो अपने आप को सेव करेंगे, छोटे फैंसियर को कोई सेव नहीं करेगा। मेरा बरादराना मशवरा छोटे फैंसियर को ये है, कमर्शियल आइटम लगाएं, जितना नया फैंसियर है कमर्शियल आइटम लगाए, ठीक है। अल्बाइनो की डिमांड है, अल्बाइनो रेड आई की डिमांड है, वो बिक जाएगा। मगर ये बात याद रखना, अल्बाइनो रेड आई तब बाहर जाएगा बल्क में जब वो 5000 रुपए का पाकिस्तान में सेल होगा, तब जाएगा।
उससे पहले नहीं जाएगा। अगर आप कहें ना कि आज आप 12,000 रुपए का यहाँ से बेचे और एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करे, उधर किसी दुकानदार को दे, ठीक है, और वो दुकानदार आगे फिर महंगा सेल कर लेगा, ऐसा नहीं होना। करके देख लें, अभी ये गया ना 1,000 तोता, देखते हैं कि पाकिस्तान में तो लाखों तोता ब्रीड हो रहा है, 1,000 तो नहीं हो रहा। और पाकिस्तान की इंटरनल जो डिमांड है म्यूटेशन की वो कितनी है सबको पता है, ठीक है। ब्रोकर मेरे से बर्ड लेके जाते हैं, मेरे से ब्रोकर बर्ड लेके जाते हैं, वो जो रेट लगा रहे हैं मुझे समझ आ गई वो क्यों रेट लगा रहे हैं, ठीक है। एक जो नॉर्मल रेट है ना बर्ड का, नॉर्मल रेट वो 5,000 रुपया, मेरी बात अपने पल्ले बांध ले, किसी भी बर्ड का नॉर्मल रेट 5,000 रुपए है, ठीक है। वो इधर लोकली दुकान पे सेल हो या वो शिप हो, इससे ज्यादा रेट नहीं है, 5,000 रुपए से ज्यादा बर्ड का रेट नहीं है। डिल्यूट ग्रेविंग सारी मत बच गई, डिल्यूट भेजे बाहर लाख लाख रुपए का, दे बाहर 1,000 डिल्यूट भेज के दिखाए, 1,000 पेल फैलो भेज के दिखाए बाहर लाख लाख रुपए के हिसाब से, ठीक है। पार्ब्लू अपलाइन भेज के दिखाए 50,000 रुपए के हिसाब से बाहर, सारी क्वालिटी सब कुछ जो मर्जी कर ले, कोई माइकल लाल बेच के दिखा दे मुझे 1,000 पार्ब्लू अपलाइन बाहर महंगा, मैं मान जाऊंगा उसे, सलूट करूंगा दोनों हाथों से, कोई नहीं कर सकता, बाहर नहीं है, अरबी इतना महंगा तोता नहीं लेता। 100 ग्राहक आते ना उसमें से 5 ग्राहक होते हैं जो महंगा तोता लेके जाते हैं, दुकान पे 100 तोता पड़ा है ना, 100 तोता अगर किसी दुकान पे पड़ा है उसमें से सिर्फ 5 या 10 महंगे होंगे, बाकी सारे कमर्शियल होंगे, कमर्शियल जो 5,000-10,000 की रेंज में होगा पाकिस्तान के हिसाब से। धर्मों में कन्वर्ट करेंगे ना तो 100 धर्म हो जाएगा, हजारों धर्म में नहीं होगा, हजारों धर्म वाले तोते कम है, बायर कम है। मेरी वीडियो नेगेटिव मत लीजिएगा, इसको पॉजिटिव लीजिएगा, अपना माइंड चेंज कर ले। न्यू फैंसियर, जो न्यू फैंसियर ख्वाब देख रहा है कि मैं बर्ड लगाऊं और फिजिबिलिटी बनी, ये बना वो बना, जो न्यू फैंसियर ख्वाब देख रहा है ना कि मैं बर्ड लगाऊं और उससे इतने कमा लूं, ये मेरी बात याद रखना, बल्क में ब्रीड कराओ, बल्क में ब्रीड कराओ, 4,000 रुपए का तोता सेल करो, कोई मसला नहीं है। लालच करोगे पछताओगे मारे जाओगे। जितना बर्ड एक्सपोर्ट हो रहा है सबसे पहले जितने बड़े ब्रीडर हैं वो अपना माल बेचेंगे, उसके बाद फिर आपको आपसे कोड़ियों के भाव माल लिया जाएगा, वो कोड़ियों के भाव माल लेके अपना मार्जिन रख के आगे बेचेंगे। ऐसा नहीं होगा कि लव बर्ड एक्सपोर्ट हो गया, धूम मच गई और आप खुश हो जाएं कि लव बर्ड एक्सपोर्ट हो रहा है। महंगा बर्ड ना खरीदना, महंगा बर्ड इस चक्कर में अब ना खरीदना, पछताओगे मारे जाओगे।